जी स्टूडेंट्स, हमारा मैथ्स का लेक्चर है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट्स, इसको हम क्वेश्चन को सीखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट को जब हम रीड करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा, लिखा हुआ है इफ y, हमारे पास अल्फाबेट कौन सा आया y, तो जब हम इसको सॉल्यूशन राइट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट जो है वो y आया, तो हमने y को राइट कर दिया। वेरीज डायरेक्टली, वेरीज डायरेक्टली मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम फिजिक्स में नाइन्थ क्लास में भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बना चुके हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल बन गया एज एक्स। अब हमारे पास सेकेंड अल्फाबेट कौन सा आ गया, एक्स, इसको हमने ऐसे राइट कर दिया, हमारे पास बन गया वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब हम अपनी इक्वेशन को जब इक्वालिटी में लेके आते हैं तो हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को जब इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के, और साथ क्या आ जाएगा, एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें आपको वैल्यूज गिवन है। वाई की वैल्यू आपको 8 गिवन है, आप वाई की जगह पे 8 पुट करेंगे, उसके बाद के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, आपने बल्कि वैल्यू के की फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यू 2 पुट कर दी। अब यहां से के का आंसर आ सकता है, 2 मल्टीप्लाई और यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास के का आंसर आ जाएगा 4। तो अब आपने ये के का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। जब आप k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा k की जगह 4 और x। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। स्टूडेंट्स, ये दोबारा से देखिएगा, सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना होगी। अल्फाबेट y आया, हमने y को पुट कर दिया, वेरीज डायरेक्टली मींस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हो गया। नेक्स्ट अल्फाबेट x है, तो हमने इसको x को पुट किया। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट k होगा। उसके बाद आपको जो वैल्यूज गिवन होंगी, इन वैल्यूज को हम डिस्पोजेबल वैल्यूज कहते हैं, मींस कि हम जो वैल्यू वन टाइम पुट करेंगे वो हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। अब इसमें y की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, ये y की वैल्यू जो है वो हमने यूज कर ली। x की वैल्यू हम 2 पुट कर चुके हैं, ये x की वैल्यू हमने यूज कर ली। अब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, इनकी आपस में कटिंग हुई, k का आंसर 4 आ गया। हमेशा हर क्वेश्चन में जब k की वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने इसके पार्ट्स देखने हैं। फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनाना है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, इट मींस आपने फर्स्ट पार्ट जो है y इन टर्म्स ऑफ x ये फाइंड कर लिया। अब आपने सेकंड पार्ट पे आना है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ फाइंड y, अब आपने क्या करना है, y को फाइंड करना है। ये हम सेकंड पार्ट यहां पे लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 5। तो x की वैल्यू आपने 5 को पुट करना है। हमने क्वेश्चन का एंड अभी कहां पे किया था, इक्वेशन नंबर 2 पे। आपने इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलना है, y इज इक्वल टू 4x, तो y हमने यहां पे फाइंड करना है, 4 वैसे आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है, y is equal to 20, ये हमारे पास y का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब हमने थर्ड पार्ट फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में हमारे पास x अब हमने फाइंड करना है, x is equal to question mark, y की वैल्यू हमारे पास 28। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 को ही हमेशा हम यूज करेंगे, y is equal to 4x, y की जगह पे अब वैल्यू हमने उसकी पुट कर दी 28, 4x। तो स्टूडेंट्स, अब हमने x को फाइंड करना है, x शुड बी सिंगल, 4 मल्टीप्लाई और यहां पे आके डिवाइड होगा, जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर रिमेनिंग क्या बच जाएगा, 7। तो स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस में यही वाला पैटर्न हम यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे कांस्टेंट के साथ, फिर वैल्यूज पुट करके इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, फिर उसके बाद आपने देखना, आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है तो हमेशा इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए आपने अपने आंसर्स फाइंड करने हैं।
जी स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास टू क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट जो है वो W, हमारे पास W आ गया, वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। उसके बाद हमारे पास अल्फाबेट आ गया U, और इस पे पावर जो है वो क्यूब है, तो हम इस पे क्यू पुट करेंगे। अब हम इसको इक्वालिटी में जब चेंज करेंगे तो कांस्टेंट के आएगा, यू क्यू। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो जब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, हम इसको नेक्स्ट रीड करेंगे तो हमारे पास आएगा W की वैल्यू हमारे पास है 81। अब W की जगह हम 81 यूज करेंगे, कि हमारा वैसे ही आ गया। यू की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यू की जगह पे हम वैल्यू इसकी 3 पुट करेंगे। यहां पे अब हमारे पास 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 27। अब यहां पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 27 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके डिवाइड होगा। कैलकुलेटर पे आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर k का जो है वो 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो k का आंसर 3 आया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, W is equal to K की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 और U का क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो स्टूडेंट्स, जब आप इक्वेशन नंबर 2 फाइंड कर लेंगे, आपने नेक्स्ट देखना है कि आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड W। अब आपने W जो है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद U की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, तो आपने इसी इक्वेशन 2 को यूज करना है। W जो है वो आपने फाइंड करना है, U की वैल्यू अब आपके पास 5 है, 5 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और 5 का क्यूब जब आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे 125, और जब आप कैलकुलेटर पे सेम ब्रैकेट लिख के 3 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 375। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन गिवन है। जब हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। तो स्टूडेंट्स, हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे, कांस्टेंट k, R3 हमारे पास ही हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमें वैल्यूज किसकी गिवन है। हमें v की वैल्यू 5 गिवन है, v की जगह पे 5 आ जाएगा, k कांस्टेंट है, और नेक्स्ट R की जगह पे हमारे पास वैल्यू 3 आ जाएगी। R की जगह आपने वैल्यू 3 पुट करनी है, 5 k। अब 3 का क्यूब जब आप लेंगे, वैल्यू विल बी 27। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 27 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये k की वैल्यू आ गई। अगर k की वैल्यू जो है आपस में सॉल्व नहीं होती, सिंपलीफाई नहीं होती, कटिंग नहीं होती, तो आपने उसको वैसे ही रहने देना है। अब k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, v इज इक्वल टू k की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5/27, और साथ में हमारे पास आ जाएगा R³। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने नेक्स्ट देखना है कि हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। इक्वेशन 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, फाइंड R। हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास V की वैल्यू जो है वो 625। इक्वेशन 2 को ही यूज करेंगे। अब V की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 625, ठीक है, 5/27 ऑलरेडी K की वैल्यू है, R अब हमने फाइंड करना है, R³ हमारे पास वैसे ही आ गया। तो स्टूडेंट्स, यहां से देखिएगा, 27 यहां पे डिवाइड हो रहा है, 27 यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहां पे आके डिवाइड होगा, यहां पे सिर्फ R³ बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप देखिएगा, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 625 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16875। आपने इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16875 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू R³। तो
तो स्टूडेंट्स जब आप ये दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3375 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो हमारा टारगेट जो है वो आर फाइंड करना है, यहां पे आर क्यूब है। अगर आप आर क्यूब को खत्म करना चाहते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पे हम क्यूब रूट ले लेंगे 3375 इज इक्वल टू आर क्यूब, और यहां पे भी क्यूब रूट, क्यूब क्यूब रूट से यहां पे कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आर आ गया। कैलकुलेटर से आपने जब इसका क्यूब रूट लेना है तो आंसर विल बी 15। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमारा जो टारगेट होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक होगा।